अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा अब्बास है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ सुरैया अज़ीम हॉस्पिटल में। आप लोगों को मैं थोड़ा सा सुरैया अज़ीम हॉस्पिटल में जो दो रोज़ा फ्री गायनी कैंप का इनेकाद किया गया इसके बारे में बताना चाहूँगी। इसमें हमने दो दिन में तकरीबन 250 से ज़्यादा मरीज़ों का फ्री चेकअप किया। इसके अलावा उन मरीज़ों को अदवायात भी फराहम की गई, उनके बहुत सारे मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए जिसमें हमने उनका HB का टेस्ट, ब्लड शुगर के टेस्ट करवाए, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया और हड्डियों में कैल्शियम की कमी से जो टेस्ट को देखने के लिए जो टेस्ट होता है BMD, ये टेस्ट भी हमने उनका फ्री किया। और इसका जो मकसद था कैंप का वो यही था कि हम जो हमारे इलाके के इर्द गिर्द के इलाके के लोग हैं उनको एक क्वालिटी मेडिकल केयर फराहम कर सकें। और इस कैंप में हमने उनके लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट का भी इंतज़ाम किया जिन्होंने उनको पेशेंट्स को डाइट के बारे में बताया कि 9 महीने में मरीज़ को कैसे खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। और मकसद इसका यही था कि जो माएँ हैं उनकी और आने वाले बच्चों की बेहतरी के लिए हम एक इकदाम कर सकें जिसमें मैं और मेरी गायनी की टीम वालों ने एक भरपूर कोशिश की है। इसके अलावा हमने कोशिश की कि हम जो 9 महीने में मरीज़ को जो कि डाइट के बारे में हम उनको बता सकें कि उन्हें किस किस्म की खुराक की ज़रूरत है और क्या उन्हें खाने में लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान अतर है और आज के इस कैंप में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कुछ लोग कैंप में आ जाते हैं अपनी पूरी फैमिलीज के साथ और जिनको नहीं आना चाहिए वो ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें अपनी पूरी फैमिली के साथ नहीं आना चाहिए। बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया है। इस कैंप को बनाने के लिए हमारा यही मकसद था कि हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स आएँ और अपना इलाज करके जाएँ।